अस्सलाम वालेकुम, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। मूविंग की वजह से आई बीन सुपर बिजी, एक के बाद एक काम। तो अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। हम लोग अभी यहाँ पे एटलीस्ट कोई एक दो हफ्ते हो गए हमें, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर सेट हो चुका है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि होम टूर कराएं, होम टूर कराएं, होम टूर कराएं, तो मैं होम टूर कराऊंगी। आई जस्ट वॉन्ट कि उससे पहले एक एक चीज़ बस बिल्कुल रेडी हो और परफेक्ट हो, जैसे कि यू नो पूरा घर। मेरा बच्चा करने वाला था नींद में, कन्वर्टर ले रहा थोड़ी सी ऐसे। तो आई वॉन्ट कि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो, जब पूरा ए टू जी कम्प्लीट हो जाए तब मैं होम टूर करूँगी इंशाल्लाह। अब माई जो पूरा अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग है, एवरी सिंगल थिंग टुगेदर, एंड इट्स रियली नाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट अनदर थिंग, कल जो है आ रही हैं मामा और डैडी। अनिया आएगी स्कनथॉर्प से, और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं। तो मैं बेसिकली दावत टाइप, दावत तो खैर नहीं, लेकिन आई वांट टू कॉल इट दावत बिकॉज इट इज़ गोना बी वेरी यू नो फैंसी, एंड यू नो आई विल डू माई बेस्ट कि मैं बहुत ही अच्छा करूँ। मामा से मैंने जो पूछा था, मामा ने बोला उनको पुलाव खाना और दाल खानी है, और डैडी मेरे जैसे कि मैंने बताया था कि फरमाइश करते हैं, उनके लिए मैं प्रॉन कढ़ाई बनाऊंगी बिकॉज आई नो ही लाइक प्रॉन्स। तो कल तलहर में जाके सारी शॉपिंग कराए हमने, और बस अब मैं आज से थोड़ी सी प्रेप कर दूंगी बिकॉज आज से मैंने शुरू किया है काम। टुडे वॉज माई फर्स्ट डे एट माई न्यू जॉब, और मेरी जो जॉब है बेसिकली वही है जो मैं वहाँ पाकिस्तान में करती थी। I have experience in sales and marketing, like I said. So I wanted to उसी फील्ड में जाऊँ मैं, ताकि थोड़ा सा experience हो, you know, I get a good job. तो आज first था, आज तो खैर training थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। तलहा उठा था सुबह को because इसकी आज इस हफ्ते जो shift है वो है 4 to 11, तो means वो like दोपहर में जाएगा और फिर रात को वापस आएगा। तो मैं गई थी तकरीबन कोई 12 बजे, तो मैं गई थी like तकरीबन कोई 10 बजे तक। तो फिर मैंने तलहा को नाश्ता बना के दिया और फिर तलहा उठा, हम दोनों गए। तलहा वेंट टू ड्रॉप मी एट वर्क, मतलब हम लोग इट्स एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, 15 मिनट दूर है। तो हम दोनों पैदल करते हुए सुबह को बातें करते हुए गए, पैदल चलते हुए सुबह को बातें करते हुए गए, और बहुत अच्छा लगा। इट वाज ग्रेट, यू नो ही इज बीन वेरी सपोर्टिव एंड एक्साइटेड एंड लाइक यू नो ही इज हाइप मी अप, एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैं जब वापस आई थी बिकॉज मैं जल्दी आ गई थी घर, आज तो फर्स्ट डे था इसलिए, तो वापस आई तो फिर तलहा जा रहा था काम पर, तो फिर उसको सी ऑफ किया, फिर बैठ के मैंने थोड़े बहुत काम किए घर के, सफाई सफाई, गोश्त डिफ्रॉस्ट किया था कि अभी से मैं चूँ थोड़ी सी मील प्रेप कर दूँ, मैरिनेशन वगैरह कल की दावत के लिए सारी चीज़ें कर दूँ मैं। तो इसलिए वीकेंड पे हमने बहुत ही हमें बेसिकली मैं तला से बात की थी, और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम वीकेंड पर हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते थे कि हम लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे। इस वीकेंड हमने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सफाई की है बस पूरा घर, बिकॉज हमने लाइक सब कुछ डब्बे वब्बे निकाल के जो पैकिंग के थे, थोड़ा बहुत जो फर्नीचर डिस्कार्ड करने वाला था, देने वाला था, उसको हमने सॉर्ट किया है। फिर हम दोनों ने मतलब कोई एक्सेलेंट कोई हमारी पार्टनरशिप थी माशाल्लाह, मतलब वी बोथ स्प्लिट कि एक बंदा डस्टिंग कर लेगा, एक बंदा वैक्यूम कर लेगा, एक बंदा ये कर लेगा, मतलब कि हमने पूरी जो है लाइक काम वाम हमने स्प्लिट किया। और फिर हमने पूरा वीकेंड, फ्राइडे बेसिकली क्या होता कि फ्राइडे को मैंने काम शुरू कर दिया था खुद, तलहा वाज एट वर्क, तो तलहा के आने से पहले मैंने काम शुरू किया हुआ था, काफ़ी हद तक हो गया था। लेकिन फिर मेरी दोस्त का फ़ोन आया जो मेरी बचपन की दोस्त है कि भाई बाहर चलते हैं, तो तलहा जो है वो काम से घर आके सो गया था, तो ही वॉज रेस्टिंग। तो मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि बाहर चलते हैं, यू नो मैं और उसके सारे बहन भाई, तो मैंने बोला सही चलते हैं। तो तलहा वो स्लीपिंग, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाए खाना वाना खा के, मॉल कॉफ़ी करके हम लोग घर आए हैं। फिर मैं तलहा और मेरी दोस्त और उसका बहन भाई हम लोग घर पर बैठे हैं, हमने चाय पी है, बिल्लियों के साथ खेल, हमने बातें बातें की हैं। तो फ्राइडे नाइट वाज गुड, बट दैट वाज द ओनली वीकेंड दैट वी हैड बेसिकली, वीकेंड वाला वीकेंड। सैटरडे को हमने पूरा दिन लग के काम किया है, सफाइयाँ की हैं, फर्नीचर सॉर्ट किया है, थोड़ी बहुत जो टेबलें बनाने वाली थी वो हमने बनाई हैं, और पूरा घर बेसिकली रेडी किया, डेकोरेशन। मैंने बोला था कि जब तक हमारे पास सारे पार्सल्स आए हुए थे वो रिसीव किए हैं सब कुछ, तो मैंने कहा था एक बार पूरा घर साफ हो जाए फिर जो नई चीज़ आई जैसे कि मैट्स हैं या कुशन्स हैं या डेकोरेशन है वो हम लोग सफाई के बाद खोलेंगे। तो फिर हमने दोनों ने मिलकर घर साफ किया सैटरडे को, उसके बाद जो रह गया संडे को हमने फिर वो किया है दोनों ने फिर से, फिर हमने सारी चीज़ें खोल के लगाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाउस लुक्स अमेजिंग, थोड़ी देर के लिए बैठे हमने फिर मैच वैच देखा, चाय पी, वी हैड अ गुड डिनर, और फिर हमने आराम से बैठ के थके हुए हम दोनों हम लोग कहीं भी नहीं गए, हम लोग बस सौदा लेकर आए, हमने मैच देखा, काम वाम खत्म किया, फिर हमने सुकून से बैठ के खाना खाया और हम लोग फिर सो गए।
तो वी स्पेंड द इंटायर वीकेंड क्लीनिंग. और क्लीनिंग के अलावा हमने क्या किया, हमारे जो दो बच्चे हैं, ये बिल्लियाँ हमारी, ये साइमन है जो पता नहीं कैसे सो रहा है, छोटा सा बेबी है मेरा, और ये सिनेमन है, ये भी सो रही है. इन दोनों बच्चों को हमने नहलाया है, दोनों ने, कलहर मैंने मिलके, एक ने नहलाया, एक ने सुखाया, फिर बार बार ब्रश करके इनको कॉलर्स पहना के इनकी फ्ली वाले पूरा घर साफ़ करके इनको भी साफ़ कर दिया हमने, ताकि लाइक यू नो पूरा सब कुछ साफ साफ हो. तो दैट वॉज आवर वीकेंड, इट वॉज ग्रेट. आज मेरा फर्स्ट डे था एट माई न्यू जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह इट वॉज ग्रेट. अब मामा डैडी आ रहे हैं तो मैंने फिर छुट्टी लिया उस दिन के लिए. तो बस आई एम रियली एक्साइटेड और आई कॉन्ट वेट टू सी मामा, आई कॉन्ट वेट टू सी डैडी. मुझे इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने मामा को बोला था मैं आपको वीडियो पे घर नहीं दिखाऊंगी, आप आ ही रही हैं तो मैं आपको डन करके बस दिखाऊंगी. अब लास्ट चीज़ रहेगी वो है बालकनी, वो इंशाल्लाह मैं कल ही कल में करूँगी. और बस फिर खाने वाने पकाने हैं दावत बॉम्बे से, क्योंकि उसके बाद आएगा होम टूर इंशाल्लाह. आज मैं बस इंशाल्लाह सारा घर डन करूँगी. सफाई मैंने अभी तक की नहीं है, वहाँ बहुत सारे जो डब्बे वब्बे हैं नए पार्सल्स वो आए हुए हैं. मैंने बोला है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने ऐसा प्लान किया है कि पहले मैं पूरा घर लाइक पूरी चीज़ें अपनी जगह पे रख के सब कुछ सेट करके कचरा वचरा निकाल के फिर मैं एक दफ़ा प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी. प्रॉपर डीप क्लीनिंग करके उसके बाद जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा फिर हर जो नई चीज़ें आई हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, डेकोरेशन है, मैट वैट, ये सारी चीज़ अपनी जगह पर रखूँगी. देन आई मूव टूवर्ड्स डेकोरेशन और फिर तलहा आ जाएगा तकरीबन कोई 5-6 बजे और फिर हम दोनों बिल्लियों को नहलाएंगे ताकि पूरा घर भी साफ़ हो, बिल्लियाँ भी साफ़ हो. खाना आई डोंट नो अगर मैं बनाऊँगी या नहीं बिकॉज आज बहुत सारे काम हैं एंड दैट ताकि एवरी थिंग इज़ डन बिफोर वेंसडे मामा डैडी की दावत से पहले बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड. मेरे अम्मी अबू फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं एंड यू नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. लास्ट वाला जो घर था मेरा जो दूसरे शहर में था वन आई मूव टू शादी के बाद वो बोला वो देख नहीं सके, लेकिन आई रियली विश दैट दे वुड हैव सीन दैट प्लेस टू. लेकिन खैर दिस वन इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वे बेटर एंड आई एम ग्लैड दैट देर कमिंग फाइनली. और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, रोज़ मम्मा को मैं फ़ोन करके शूट पर तंग कर रही होती हूँ, उनसे बात कर रही होती हूँ, मम्मा बस इतने दिन रह गए हैं और क्या खाना है, ये भी खाना है, कुछ और बता देना चाहिए तो या कुछ और बनाऊँ मैं. तो वह कहते हैं कि मज़ा आ रहा है, आई एम एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और बस आज डीप क्लीनिंग एंड आज हाउस फाइनल डन. जब भी कोई किटन पंजे अपनी यूं यूं दबाता है इसका मतलब ये है कि इन अ वे दे आर मिसिंग देयर मॉम बिकॉज अभी छोटे होते हैं और अपनी माँ का दूध पीते हैं. तो ये पेट पे जो है ना यूं का एक तरीके से करते हैं वो. तो बिकॉज ये छोटा है सिर्फ 2-3 महीने का है, आई एम गेसिंग ही इज़ मिसिंग हिज मॉमी एंड दिस ब्लैंकेट इज़ वेरी सॉफ्ट मे बी ही जस्ट वॉन्ट सम मिल्क बट ही इज़ टू ओल्ड फॉर दैट. मेरा बच्चा अल्लाह. और कुछ बिल्लियों को सर पे बहुत ज़ोर से प्यार करवाने का शौक होता है तो वो और अपना सर मलती हैं हाथ पे, जैसे कि ये करो करके दिखाओ साइमन, ये गिर ना जाना बस बैलेंस ही ना आउट हो जाए तुम्हारा. बुप बहुत प्यारा है. बहुत 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 प्यारा है ये वाली बिल्ली. वो बिल्ली है कि मैं पिक्चर्स देखती थी इंस्टाग्राम पे और सिर्फ सोचती थी कि कभी मैं देख लूँ एक स्कॉटिश फोल्ड ब्रीड का नाम है ये. और बहुत पसंद है मुझे, मैं दिन में आई थिंक कोई 100 दफ़ा तल्ला को वीडियोस भेजती थी मैं कि ये वाली बिल्ली देखो, ये वाली बिल्ली देखो, ये वाली बिल्ली देखो. एंड आई कॉन्ट बिलीव कि आई हैव अ स्कॉटिश फोल्ड टुडे, इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर. इतना प्यारा है. आओ तुम्हें यूट्यूब फैमिली से मिलवाएं, मामा की यूट्यूब फैमिली आई है, बोलो हेलो, बोल 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 के जो आवाज़ें आ रही हैं बोलो बोल. स्कॉटिश फोल्ड वीट का नाम ऐसे तो कहेंगे जो कान होते हैं वो फोल्डेड होते हैं लाइक बैठे होते हैं, खड़े कभी भी नहीं होते हैं. बच्चा ये बहुत प्यारा बच्चा है. जब ये अभी आया था तो ये बहुत डरा हुआ था, थोड़ा सा दरवाज़ा खुल जाए, खिड़की बंद हो जाए, सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी आवाज़ आ जाए थोड़ी सी भी तो फ़ौरन ये चौंक जाता था, ये वेरी स्केयर्ड. अब जाके बहुत मुश्किल से
ये जो है ही इज़ गेटिंग कम्फर्टेबल, मेरे पास आता है और प्यार कर रहा है मुझसे और पर कर रहा है। पर जो बिल्लियाँ गोल 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 की आवाज़ निकालती हैं उससे बोलते हैं, इसका मतलब ये कि जो कैट है वो यू नो कम्फर्टेबल है, रिलैक्सड है और एक तरीके से आपको अफेक्शन शो कर रहा है। इसलिए तो थोड़ी सी बेचारे ने मार खा ली सिनेमन ने, बिकॉज सिनेमन थोड़ी सी फाइस्टी हैं, यू नो शी इज़ अ बिट रफ, शी इज़ यू नो एक्सप्रेसिव इन हर ओन वे। तो बेचारे की जो आँख छोटी सी है उस पर थोड़ा सा वो है। लकीली मेरे जो कराची में वेट थे, जिनके पास जाती थी मैं, डॉक्टर यूनस जो होते हैं एनिमल केयर हॉस्पिटल में, जो समामा के गुलशन बिल्कुल सामने है, ही इज़ द बेस्ट वेट आई हैव एवर बिन टू, बिकॉज मेरे पास बिल्लियाँ सारी ज़िंदगी रही हैं, लेकिन जो ये वाले वेट हैं ये माशाल्लाह, ही इज़ एन एक्सलेंट वेट एंड ही इज़ वेरी 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 क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंसड एंड अ ग्रेट पर्सन इन जनरल, ग्रेट विद एनिमल्स, ग्रेट विद पीपल, यू नो। और जब भी मैं उनके पास गई, उन्होंने हमेशा मेरा पॉपी को ले गए इमरजेंसी के लिए वहाँ पर, यू नो ही इज़ जस्ट एन इनक्रेडिबल वेट, इनक्रेडिबल। तो ये बाय द वे मलिक राज जो हैं बेहराम वाले, उनके पर्सनल वेट हैं, विच मीन्स दैट ऑल ऑफ हिज टाइगर्स एंड लायंस एंड ऑस्ट्रिचेस एंड गॉड नोज़ व्हाट एनिमल्स, ये उनको ट्रीट करते हैं बेसिकली। खैर तो उनका मेरे पास, उनसे मेरी व्हाट्सएप बात होती रहती है व्हेन एवर हैव एन एनिमल कंसर्न। तो उनसे मैंने पूछा है क्या कहते हैं कि सिनेमन इसको मारा, तो टू अवॉइड एन इन्फेक्शन मैं क्या करूँ, बिकॉज अभी इसको रजिस्टर नहीं करवाया वेट से, कल परसों ही तो आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला है कि लकीली बिकॉज मेरी लेजर आई सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली, तो मैंने ड्रॉप्स मेरे पास थे जो भी होते हैं, 2-3 थे, तो मैंने उनकी पिक्चर भेजी, उन्होंने बोलते हैं हाँ ये वाले ड्रॉप्स डाल दें, दो सुबह दो शाम, और अभी आई थिंक मैंने एक दफ़ा ही डाले हैं और इसकी आंख बहुत बेहतर हुई है माशाल्लाह। तो इट्स अ ब्लेसिंग हैविंग सच अ क्वालिफाइड वेट, लाइक यू नो समवन दैट यू नो, तो यू कैन गेट एडवाइस एंड हेल्प एंड एवरीथिंग, तो आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। और अभी बेहतर भी हो गया है और अभी इनकी दोस्ती कराएंगे हम, तलहा और मैं मिलके, इसके और सिनेमन की सेकेंड ड्रॉप। बाय द वे बिल्लियाँ जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी पाक साफ जानवर होती हैं, तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल लाइक यू नो फ्रॉम अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बिल्लियाँ रख सकते हैं। आप सलसम की फेवरेट जो एनिमल था, आप सलसम का फेवरेट जो एनिमल था वो बिल्ली थी, और ये कहते हैं कि बिल्लियाँ पाक होती हैं, साफ़ होती हैं, देर वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनिमल्स एवर, बिकॉज अपने आप को साफ रखती हैं, और यू नो दे आर वेरी लो मेंटेनेंस, यू नो फ्रॉम अ रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू टू बहुत लो मेंटेनेंस। कुत्ता अगर आप रखते हैं तो लाइक इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के बात कर रही हूँ मैं, जनरली इफ़ यू कीप अ डॉग तो देर लिटिल हाई मेंटेनेंस, आपको उनको वॉक पे लेके जाना पड़ता है, कुछ भी लाइक उनको वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना हो वॉशरूम, तो यू हैव टेक देम फॉर अ वॉक अगैन एंड अगैन, देर लाउड, दे मेक अदर पीपल अनकम्फर्टेबल। अगर आपने वज़ू किया हो तो आपको चाटते हैं, आपको वज़ू फिर से करना पड़ता है। पॉपी से मुझे बहुत प्यार, लेकिन इसलिए यू नो मैं थोड़ा सा वो करती थी कि जब मैं, बिकॉज मुझे वज़ू करना बहुत सस्ती होती है बार बार, तो मैंने कहा, मैं बोलती थी कि इसको बस मेरे पास ना आने, तो थोड़ा सा बेचारा फ्रेंड होता था। बट आई लव डॉग्स, आई लव कैट्स, बट आई प्रेफर कैट्स ओवर डॉग्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट देर वेरी क्लीन और पाक साफ होती हैं और देर वेरी लो मेंटेनेंस, यू नो मतलब आपको आपकी स्पेस भी देती हैं थोड़ी सी, कि अगर उनको अपने आप में लाइक थोड़ा सा करना है, अटेंशन भी मांगती हैं, वोकल होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, दे अंडरस्टैंड योर इमोशंस बेसिकली, सही है। कभी अगर मैं बहुत सैड होती हूँ, सिनेमन आके मुझे यूँ आके आंखों में देखती है, मुझे यूँ करती है, फिर यू नो तो शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दे कैन सेंस दिस थिंग, यू नो शी कम्फर्ट्स मी। जब बिल्ली आके आपके पास ना सर मले तो मतलब कि उसको प्यार चाहिए, लाइक उसको आप थोड़ा सा वो करते हैं, प्यार करते हैं, ऐसी होती हैं वो। एंड देर वेरी नॉटी, बहुत नॉटी होती हैं, मतलब मैं बोलती हूँ राउंड द क्लॉक एंटरटेनमेंट है ये, मतलब आप कोई टॉय दिखा दें बेसिकली, सिनेमन पर ढूंढती कैसे, फिर मैं बॉल गिराती हूँ, उस बॉल की छन से वो जिस कोने में भी छुपी हुई ना वो भाग के आ जाती है, तो ये होता है। तो लाइक आई सेड, कैट्स आर वेरी लो मेंटेनेंस, उनको बस खाना डालें, पानी डालें, लिटर साफ करें, बस खुद वॉशरूम जाते हैं, वो खुद खाना खाते हैं, खुद खेलते हैं, खुद आपके पास आके प्यार करते हैं, तो इस लिहाज से दे वेरी नाइस एंड वेरी लो मेंटेनेंस, दैट्स व्हाई आई रियली 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 लाइक कैट्स एंड आई हैव हैड कैट्स ऑल माई लाइफ, यू नो पर्सनली जो है वो मेरी प्रेफरेंस होती है, जैसे कि अन्या बोलती मेरी बिल्ली को सड़क वाली बिल्ली, तो ये तो सड़क वाली बिल्ली नहीं, ऑब्वियसली कि मैं सड़क वाली बिल्लियाँ बहुत रखी हैं, बिकॉज मुझे बहुत 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 ACF की वजह से मेरे में एक अवेयरनेस आई थी है कि जो ब्रीड्स होती हैं कुत्तों की और बिल्लियों दोनों की, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, यू नो और जो स्ट्रेज होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं, उनको टेंशन नहीं मिलती है कोई, एंड जेनुइनली बिकॉज मैंने दोनों रखी, मैंने ब्रीड भी रखी हैं पर्शियन वगैरह जो भी हैं, और मैंने स्ट्रेज भी रखे हैं, जितने एक्टिव स्ट्रेज, बाय द वे स्ट्रेज का मतलब होता है टैबी, जितने एक्टिव स्ट्रेज होते हैं और जितने फ्रेंडली होते, जितने लविंग होते, जितने एक्सप्रेसिव होते हैं, ब्रीड्स आई हैव नोन दे आर वेरी लेजी,
आई लव स्ट्रेज डॉग्स एंड कैट्स और यू नो आई मेक मैं बहुत खुश करती हूँ अनिया और अली की तरह उनको भी देख देख के मुझ में ये चीज़ आई है. अनिया ने अपनी गाड़ी में गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ था एक डब्बा कैट फूड का एक डब्बा डॉग फूड का जहाँ कोई बिल्ली नजर आई बिल्ली का बच्चा नजर आया उसको डाल दिया खाना. तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी मैं दिस इज सो कन्वीनियंट तो मैंने भी डिग्गी में रखना शुरू कर दिया अपनी और फिर तलहा की डिग्गी में रखना शुरू कर दिया तलहा ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग्स फॉर कैट्स एंड डॉग्स. तो बहुत अच्छी बात होती है यू नो दे आर जस्ट एनिमल्स अल्लाह की यू नो बनाई हुई चीज़ें तो आपको उनको प्यार करना चाहिए और किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि आपने कुत्ता रखा हुआ है बिल्ली रखा हुआ है बिल्ली को प्यार करना. तो लगे आप इस्लाम अगर आप रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं तो सही कुत्ता नापाक है दैट्स अ फैक्ट लेकिन यू कॉन्ट यू नो जज समवन ऑन देयर प्रेफरेंसेज या क्या वो करते हैं यू नो लाइक माइंड योर बिजनेस प्लीज. लेकिन बिल्लियों की जहाँ तक बात है तो बिल्लियाँ पाक होती हैं साफ होती हैं आप उनको प्यार कर सकते हैं अपने बच्चों की तरह जैसे आप बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों की तरह प्यार कर रही हैं ये वो तो हाँ मेरे हैं बच्चे ये दोनों मेरे बच्चे हैं जब तक मैं असली बच्चे नहीं आते ये मेरे बच्चे हैं. तो यू नो यू कैन लव देम ये साथ खाते हैं सोते हैं खेलते हैं प्यार करते हैं हम इन्हें. साइमन का लास्ट ड्रॉप है फिर बस फिर काम शुरू करते हैं. चलो साइमन लास्ट ड्रॉप मेरा बच्चा छोटा बेबी मेरा छोटा बेबी ओए होए 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 तीन पैसे नहीं किए लास्ट वाले पैसे क्यों किया. चलो डरते नहीं है डरते नहीं अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा शाबाश. चलो ना यू कैन गो इफ यू वांट टू गो दैट्स इट लेट्स स्टार्ट. तो अभी ये थोड़ा सा सामान रह गया डेकोरेशन वगैरह ये लैंप है जो वापस लेकर जाना जो बहुत हैवी है और ये सिनेमन सो रही है वो साइमन सो रहा है बालकनी में भी थोड़े से डब्बे पड़े हुए हैं झूला एक सेट किया हमने अभी फ़िलहाल और ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं सूटकेस वगैरह पड़े हुए जगह किसी भी चीज़ की नहीं है स्टोरेज की थोड़ी तंगी है तो आज हम लोग फाइनल सब कुछ डन करेंगे. काम करने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं था तो मैं बस मैंने कहा फ्राइडे नाइट लेट्स गो आउट तो हम लोग अब बाहर आए हैं बहन भाई में बहुत से दोस्त हैं तो ये हैं इधर का भाई है समी से हाय अंजला द यंगेस्ट शी 13 बाय द वे इल्सा थोड़ी सी शाय है इसलिए इल्सा कैमरा पे नहीं आ रही है लेकिन दीज आर माई फ्रेंड्स लाइक फैमिली इन मैनचेस्टर and it's good to have them here because at least like mere paas koi hai yahan pe aane ke liye like aise to talha nahi hota tha yahan pe to I used to go there and used to kya tum log leave me aise fair to bahut arse baad like you know I came out with my friends or I'll kill you I mean it to bahut arse baad like hum bahar aaye hain and you know we all got dressed up we're out for a day out for a night out wow fair show bahut ho raha hai but I just wanted to abhi hum logon ne khana wana khaya bahar mall mein. अब हम लोग मेरे घर जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मूवी शूवी देख लेंगे विल हैव सम चाय मोर कॉफी मे बी और बस. तो ये दरियान है माय चाइल्डहुड बेस्टी एंड सिनेमन सेकंड मॉम शी इज ऑन टेक केयर सिनेमन आई वाज इन देयर नो इट वाज शी वाज इवन देयर सॉरी इट वाज दरियान्स मॉम नॉट दरियान एंड इल्सा तुम ना हाथ ही दिखा दो ये सिनेमन की दूसरी अम्मी का हाथ है लेकिन बहुत मजा आ रहा है I'm really happy to be out. तला घर पे सो रहा है because we can have the wanted to get some rest and that's it. अब हम लोग रात के 9 बजे घर जा रहे हैं हमने खाना वाना खा लिया है घर जाके तला को जगाएंगे और फिर हम चारों बैठ के तुम्हें मत लाना हम लोग बैठ के कुछ खाएंगे पियेंगे अभी तो खाए कितना खाना है वो देखो बिरयानी खाएगी वो हराम भी खाना है बकवास नहीं करो यार खैर और हम लोग घर जाके आइसक्रीम खाएंगे कॉफ़ी पियेंगे जो भी होगा और दुरैन इल्सा और समी और अंजला मिलेंगे साइमन से जो मेरा नया बिल्ला है जो क्यूटी है और फिर पैकिंग का काम अनपैकिंग का काम और सफाई सफाई आ जाएगी तो कल ख़त्म करेंगे यही फिर से बोलो अंजला अंजला क्या पहन के आई हो लहंगा क्यों तुमने कहा था लहंगा पहन कसम खुदा की मैंने मजाक में कहा था कि मेरे घर आओगी तो बोलती क्या पहन के आना है तो मैंने मजाक में बोला कि लहंगा पहन के आ जाना मतलब घर आते तो क्या पहनते हैं और वो असली में लहंगा पहन के आ गई असली में और इयररिंग्स तो दिखाओ अंजला माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है वेरी नाइस वेरी नाइस ऐसा है क्रेजी हो गया
I'm waiting. For what? What are you waiting for? पहले हाँ वैक्यूम कर रहा है और मैंने पूरा बाथरूम साफ किया है. ये तौलिया भी धुल के आया इसलिए इसमें ऐसे हो रहा है, लेकिन ऐसा चमक रहा है सब कुछ के वेरी इम्प्रेसिव माय सेल्फ. ये मेकअप प्रोग्राम सब कुछ डाला है मैंने एंड दिस रिलेट्स बाय द वे. ता-दा. My makeup, my skincare, brushes, wipes, mirror makeup ke liye. Talha ki skincare. Shakal nazar aa rahi hai mujhe face mein. Kitna saaf hai. I'm so impressed with myself right now. Storage ke liye ek ye hai aur ek ye hai. Aur ye mat hai, bas ek cheez reh gayi shower curtain. That's it. बाकी इट्स ऑल डन. टाटा. हाउ डू यू नी ये एलडी भी लाऊं. ओके वो येलो और ब्लू एलडी है. ओके ये तुझे कैमरा दे दो पजामा और जैकेट फिट भी नहीं है. द गॉड वेयरिंग द कॉम भाई हम ग्रोसरीज करके वापस आ गए और हम मैच के लिए लेट हैं और जल्दी चलो मैच स्टार्ट होने वाला है. ओके सॉरी. एक मिनट Baby number one. हाँ फ्रेंड इसको हाथ हाथ भी नजर लग गई जल्दी जल्दी हो क्योंकि इसको भी सर्दी लग गई. मतलब बस इतना सही है ये तो ऑन है ना. यार ये बहुत ज़्यादा गिले ज़्यादा छोटा है वो बड़ी है उसका इतना मसला नहीं है. तो फिर तुम इसको पकड़ो मैं उसको ये लो और फिर तौली की बजाय तौली में इसको और सही लग गई. अब
Okay, we'll finish drying her, but just like, you know, take care of him first because he's smaller, yeah, he can get sick. Yeah, नहीं तो कैसे वाले first time लोग क्या? आज मैं बच्चा, ये तो बड़ी हो गई है, तंग भी नहीं करती है. नहीं full full full. Bacon turkey muffin, air fried fries, fresh fruit. Chai. Hello. Hello. कहाँ जा रहे हो? काम पे मैं. Birthday तुम्हारा? पता नहीं है तुम्हें? तुमसे पूछ. हाँ. How do you feel about your first day? I feel good about my first day. Good क्या होता है? Elaborate. Thanks for coming to drop me. I love you. I love you more.